लास्ट लेक्चर वीडियो में अपने कवर कर चुके हैं ईसोफेगस या एसोफेगस को। इस सेशन में अपने समझने वाले हैं किस तरह से स्टमक जो अमाशय होता है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है, किस तरह से डाइजेशन चलता है स्टमक के अंदर और स्टमक की एनाटॉमी क्या होती है। नमस्कार, मैं संजय केड़ीवाल और मैं आपको करवा रहा हूं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, ईसोफेगस से जब फूड नीचे उतर रहा होता है स्टमक की ओर तो वहां पर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट चलती है। उसके रिजल्ट में जो फूड है जो कि बोलस फॉर्म में आ रहा है वो बोलस फॉर्म में फूड है वो नीचे उतरेगा स्टमक की ओर और स्टमक में गिरने के बाद वहां पर उसको बोला जाता है काइम। दो टर्म होगी, बोलस कब बोलते हैं जब बक्कल कैविटी से फूड नीचे उतरता है फूड पाइप में या ईसोफेगस में, और जब वो उतर जाता है स्टमक के अंदर जब उसमें गैस्ट्रिक जूस इन्वॉल्व हो जाता है, गैस्ट्रिक जूस उसके अंदर मिक्स हो जाता है, उस फूड की उस फॉर्म को अपने बोलेंगे काइम। तो यहां स्टमक में काइम बन जाता है। अब बात आती है स्टमक क्या है, स्टमक की शेप क्या है। स्टमक एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जे शेप की, जिसके अंदर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है। ईसोफेगस जहां खत्म होता है और जहां से स्टमक स्टार्ट हो रहा है उस जंक्शन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कार्डिया। कार्डिया वो जंक्शन है जहां पर, या कार्डिया वो पोर्शन है स्टमक का जहां पर ईसोफेगस एंड हो रही है और अपना स्टमक स्टार्ट हो रहा है। तो कार्डिया पहला पोर्शन है, अपर पोर्शन है किसका, अपने स्टमक का। उसके बाद जो एक उभरा हुआ जो अराइज हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं, स्टमक का जो अराइज हुआ पार्ट है उसको अपने बोलेंगे फंडस। और फंडस के बाद जो लोअर मोस्ट पार्ट है अपना स्टमक का जहां से स्टमक एंड हो रहा है और ना जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है वो स्टार्ट होता है, उस पोर्शन को अपने बोलते हैं पाइलोरस। सबसे ऊपर वाला पोर्शन है कार्डिया, उसके बाद फंडस और उसके बाद में पाइलोरस। और स्टमक का जो सेंट्रल पोर्शन है उसको बोलते हैं बॉडी। तीन पोर्शन हो गए, कार्डिया, फंडस और पाइलोरस, और बीच वाले सेंट्रल पार्ट को अपने बोल देते बॉडी। ठीक है, अब यहां पर भी दो स्फिंक्टर देखने को मिलते हैं। स्फिंक्टर कौन से, लास्ट लेक्चर वीडियो में मैंने बताया होगा कि स्फिंक्टर वो वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर होती है जो फूड को यूनिडायरेक्शनली मूव करवाते हैं, एक डायरेक्शन वन वे में, फूड वापस नहीं जा पाता। और जहां से एसोफेगस खत्म होता है और स्टमक स्टार्ट होता है वहां पर भी स्फिंक्टर दिखाई देता है, एक डिप्रेशन पड़ा होता है, उसको अपने बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो जो टर्म है वो आती है गैस्ट्रिक से और गैस्ट्रिक रिलेट करता है किसके साथ, स्टमक के साथ, और ईसोफेजियल का मतलब है ईसोफेगस या एसोफेगस। तो उनके बीच में एक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर है जहां से फूड एंटर करता है स्टमक के अंदर। इस गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर से फूड एंटर करता है बोलस फॉर्म में और काइम फॉर्म बन जाती है स्टमक में जाने के बाद। और एक ऐसा स्फिंक्टर अपने को पाइलोरिक रीजन में भी दिखाई देता है जो एंड पोर्शन है किसका, स्टमक का, उसको बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। वो भी फूड को इंटेस्टाइन में जाने से रोकता है कुछ देर के लिए, क्योंकि यहां जो स्टमक है वो फूड को 4 to 5 आवर्स के लिए रोक के रखता है। ऊपर वाला वॉल्व कौन सा है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल और एसोफेजियल स्फिंक्टर, और लास्ट वाला कौन सा है जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब बात आती है कि इसमें कौन सा जूस सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, और सिक्रीशन के अंदर इस गैस्ट्रिक जूस में बहुत सारे केमिकल्स दिखाई देते हैं, एंजाइम्स दिखाई देते हैं, हार्मोन भी बनता है। एक एसिडिक सिक्रीट होता है इसमें, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस है वो एसिडिक नेचर का होता है, तो इसमें एसिडिक बनेगा। एसिडिक के साथ साथ दो एंजाइम भी सिक्रीट होते हैं इस गैस्ट्रिक जूस में, एक होता है पेप्सिन और एक होता है लाइपेज। पेप्सिन है वो प्रोटीन पे काम करता है और जो लाइपेज है वो लिपिड या फैट पे काम करता है। और लास्ट इसमें एक हार्मोन भी बनता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन जब तक नहीं बनेगा तब तक एसिडिक और बाकी जो एंजाइम है वो सिक्रीट नहीं होंगे। एससीएल का क्या काम है, यहाँ एससीएल दो काम करता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो एससीएल बना है वो दो फंक्शन को परफॉर्म करता है, एक तो स्टमक को एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है, यहाँ पीएच रहती है एससीएल की 2। तो स्टमक के अंदर एनवायरनमेंट को एसिडिक बनाने का काम कौन करेगा, एससीएल, जिसकी पीएच होती है यहाँ पर 2। अब एससीएल किस पे काम करता है, देखिये पेप्सिन है वो इनएक्टिव फॉर्म में बनता है, पेप्सिनोजन की फॉर्म में बनता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिन है वो पेप्सिनोजन की फॉर्म में बनता है और उसको पेप्सिनोजन को पेप्सिन फॉर्म में लाने का काम
या कह सकते हैं इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में लाने का काम एचसीएल करता है। तो दो काम हो गए, एक तो एसिडिक नेचर प्रोवाइड करवाता है, एसिडिक एनवायरमेंट प्रोवाइड करवाता है किसको, स्टमक को, और दूसरा काम क्या है अपना जो पेप्सिनोजन है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करता है, एचसीएल करता है। और पेप्सिन एक बार बन गया तो प्रोटीन पे काम करना स्टार्ट कर देता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर या प्रोटीन के अंदर, उनको ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड में ट्रांसफॉर्म करने का काम कौन करता है, पेप्सिन। तो कह सकते हैं स्टमक के अंदर मेजरली प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है या प्रोटीन का डाइजेशन होता है। लाइपेज भी थोड़ा बहुत काम करता है यहां पर लिपिड के ऊपर, लेकिन मेजरली कौन काम करता है, पेप्सिन करता है। इसी तरह से गैस्ट्रिन जब तक नहीं बनेगा वो हार्मोन तब तक ये सारा काम नहीं हो सकता। अब स्टमक की लाइनिंग की बात कर लेते हैं, जो इनर वॉल्स होती हैं स्टमक की उसके अंदर मेजर सेल्स बैठी होती है, चीफ सेल्स। चीफ सेल है वो पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करती है, आगे चलकर यही पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में ट्रांसफॉर्म होता है। इसी तरह से दूसरी सेल्स होती है पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स जो स्टमक की पैराइटल सेल्स है वो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन का सिक्रेशन करती है, उसके बाद ये दोनों आपस में ज्वाइन करते हैं हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन और एचसीएल का फॉर्मेशन करते हैं। एचसीएल फिर काम करता है किसके ऊपर, पेप्सिनोजन के ऊपर, और वो उसको बदल देगा किसमें, पेप्सिन में। तीसरे टाइप की सेल्स होती है म्यूकोसा, वो हर जगह मिलती है। तो म्यूकोसा जो है वो म्यूकस का सिक्रेशन करती है जो क्रोसिव एक्टिविटी से बचाती है किसको, स्टमक को। क्रोसिव एक्टिविटी का मतलब क्या है, एचसीएल जो बन रहा है, क्योंकि अभी बताया कि पीएच काफी एसिडिक है, यहां पर दो पीएच का एचसीएल यहां पर काम करता है, तो उस एचसीएल की वजह से हो सकता है कि अपनी जो लाइनिंग स्टमक की जो इनर वॉल्स है वो खराब हो जाए। तो गैस्ट्रिक जूस की क्रोसिव एक्टिविटी से बचाने के लिए म्यूकस सिक्रीशन होता है किससे, म्यूकोसा सेल्स से। तो इस तरह से तीन सेल्स है, चीफ सेल्स है वो पेप्सिनोजन बनाती है और जो पैराइटल सेल वो एचसीएल का सिक्रीशन करती है, इसी तरह से जो म्यूकोसा है वो म्यूकस का सिक्रीशन करती है। तो कहा जा सकता है कि स्टमक के अंदर पेप्सिन काम करता है मेजरली, और वो पेप्सिन है काम करेगा किसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर। तो मेजरली प्रोटीन का डाइजेशन किया जाता है और थोड़ी बहुत अमाउंट के अंदर अपने लाइपेज एंजाइम की एक्टिविटी भी देख सकते हैं जो लिपिड पे काम करता है। और इसके अलावा एब्जॉर्प्शन का काम ना के बराबर होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन का काम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन करती है। फिर भी यहां पर स्टमक के अंदर जो स्टमक की वॉल्स हैं वो वाटर को और जो अपने मेडिकेशन करते हैं, जो अपने मेडिसिन लेते हैं, उनको भी डायरेक्टली एब्जॉर्ब करवाने का काम स्टमक कर लेता है। दवाइयों का असर जल्दी होना चाहिए और दवाइयों का जल्दी असर होने के लिए अपने को एब्जॉर्प्शन जल्दी करवाना पड़ता है, तो स्टमक के अंदर उन दवाइयों का, उन मेडिसिन का जल्दी एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ब्लड में जल्दी मिक्स हो जाती है। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में आपने कंप्लीट कर लिया स्टमक को, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कुछ नेक्स्ट करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।